हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट सेकंड ईयर पोस्ट एसएससी डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एडमिशन प्रोसेस 2022-2023 के बारे में। गाइस, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको मालूम है कि आपका जो कैप राउंड वन ऑप्शन फॉर्म था वो आपने फिलअप कर लिया होगा गाइस, और किस तरीके से फिलअप करना था ये भी मैंने आपको अपने वीडियो के थ्रू बता दिया था। चलिए गाइस, अब मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ डिस्कस करूंगा सीट मैट्रिक्स के बारे में, जो कि ये पहले ही रिलीज हो चुका था। आप बोलोगे सर इतना लेट आप वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। नहीं गाइस, ये मैं वीडियो सीट मैट्रिसेस पे नहीं बना रहा हूँ, बेसिकली सीट मैट्रिसेस के बेस पे। अब तो ये कैप राउंड वन का था गाइस, अब आपको 26 का बेसिकली अलॉटमेंट दिया हुआ है, राइट। तो अब जो 26 के बाद जो अलॉटमेंट आएगा यानी कि कैप राउंड टू के लिए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूंगा और कैप राउंड वन के बारे में डिस्कस करूंगा गाइस, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप जब कैप मैट्रिक्स सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करते हो गाइस, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे कि EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, PWD पर्सनल विथ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है, और DEF यानी कि डिफेंस, और जी दैट इज में जनरल, एल फॉर लेडीज, एफ फॉर ओनली फॉर फीमेल, राइट, और कैप यानी कि कैप नॉन माइनॉरिटी सीट, और कैप MI यानी कि कैप माइनॉरिटी सीट के बारे में गाइस, राइट। तो चलिए, अगर आप डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद में हो और आपके आसपास गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या आपने कॉलेजेस पॉलिटेक्निक के लिए सेलेक्ट किया था गाइस, तो इसमें ये फर्स्ट आएगा सिविल इंजीनियर, ठीक है, जिसका चॉइस कोड है गाइस 5061911 0, राइट। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे कैटेगरी दे दी गई है गाइस, कैटेगरी में आप दे सकते हो जैसा अभी अभी ऊपर देखा था। उसके बाद जनरल लेडीज दिया हुआ है, इनकी GL GL लिखा हुआ है यहाँ पे, HSC जो 12 के बेस पे होगा गाइस, और PW के लिए यहाँ पे दे सकते हो 0 सीट अवेलेबल है, और डिफेंस के लिए भी यहाँ पे 0 सीट अवेलेबल है गाइस, क्लियर। तो इस तरीके से आपको अपने सीट देखने हैं। तो जितने भी कोर्सेज आपने कोई भी कोर्सेज में जो सेलेक्ट किए हुए, सिविल इंजीनियर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो गया गाइस, तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे सीट गिवन है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है और जो आपके कोर्स है गाइस उसमें आपको देखना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, राइट, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है गाइस। तो इस तरीके से आप अपने कोर्सेज को, अपने सीट को यहाँ पे देख सकते हो, और इसके बेस पे आप अभी अपना कैप राउंड टू के लिए प्रिपरेशन करके रखिए गाइस। जिन बच्चों का नाम कैप राउंड वन में आ जाएगा तो उनके लिए तो ठीक है, चलो उनका एडमिशन हो जाएगा, देखिए। अब जो बच्चे का नाम नहीं आएगा उनके लिए क्या करना, उनको अभी से प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको भी मालूम है कि आपका परसेंटेज कितना है और परसेंटेज कितना आ सकता है गाइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीट देख सकते हो कितना सीट अवेलेबल है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन होगा गाइस। तो अभी आपको क्या करना है कि सेम आप यहाँ पे अपना प्रिपरेशन कर लीजिए, कॉलेजेस चेंज कर लीजिए, अगर कॉलेज कुछ चेंज करना है, अभी तो अभी नहीं चेंज करना है, अभी बाद में चेंज करना है अलॉटमेंट के बाद, राइट। तो गाइस, अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बता देता हूँ, 2 मिनट। देन गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो इम्पोर्टेंट डेट है आपके पास, कि जो आपका सीट मैट्रिक्स आने वाला था वो 20 को आने वाला था, और ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म जो कि कल आज लास्ट डेट है इसका 24, ठीक है, और 26 का डिस्प्ले ऑफ अलॉटमेंट है गाइस, ठीक है, और 26 के बाद क्या होगा कि आपको सीट अपना कंफर्म करना पड़ेगा कॉलेजेस के अंदर, राइट। अगर आप कॉलेज के अंदर नहीं कंफर्म करते हो तो आप क्या कर सकते हो कि ऑटो फ्रीज यानी कि बेटरमेंट पे जा सकते हो गाइस। अब ये बेटरमेंट या ऑटो फ्रीज क्या होता है, बेसिकली आपको 1000 पे करना पड़ेगा अपने सीट को कंफर्म करने के लिए, और आपको अपने प्रेफरेंस यानी कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेजेस है उसके लिए वेट करना पड़ेगा कि आपका उसमें नाम आ जाए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट प्रेफरेंस वाले कॉलेज में नहीं आए तो कोई बात नहीं, अपना जो नेक्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज था उसमें आ गया, हम उसमें एडमिशन लेके अपना जो कैप का था, कैप राउंड वन का, उसको खत्म करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि जिनको कैप राउंड वन के वन में ही जो प्रेफरेंस है डाला हुआ है वही प्रेफरेंस पे उनको एडमिशन चाहिए, तो अभी क्या करेंगे बच्चे, ऑटो फ्रीज कर देंगे। ऑटो फ्रीज करने से क्या होगा कि आपका सीट कंफर्म हो जाएगा, लेकिन कैप राउंड वन में, कैप राउंड टू है और कैप राउंड थ्री में नाम नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपका कैप राउंड वन में नाम आया है, आप वही कॉलेज में जा सकते हो जिस कॉलेज में आपने बेटरमेंट किया हुआ है, क्लियर।
तो इसके वजह से आपका सीड तो फिक्स हो जाता है गाइस, भले आपका नाम आए आए या ना आए, ठीक है। अगर आपका नाम आता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि आप वहां पे फिर सीट अपना कैंसिल करके आप अपने प्रेफरेंस में एडमिशन ले सकते हो गाइस। तो इसके बारे में हम बेसिकली बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और फिर जो आपका कैप राउंड वन का अलॉटमेंट होगा गाइस, उसके बारे में और डिस्कस करेंगे, उसके डॉक्यूमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे गाइस, और फिजिकल ईज कम्युनिटी और फिजिकल और ईज कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे गाइस। देन उसके बाद फिर आपका कैप राउंड टू स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस तो बेसिकली यही था, मुझे इतना बताना था कि आपका आज लास्ट डेट है। आज जिस बच्चों ने ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन नहीं किया तो फटाफट फॉर्म सबमिशन कर दीजिए। 26 को आपका डिस्प्ले हो जाएगा कैप राउंड वन का अलॉटमेंट, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।